दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज दूत। इन दिनों समूचे मध्य प्रदेश और विशेषकर महाकौशल में बारिश हो रही है, नदी और नाले उफान पर हैं। इसीलिए ज़्यादातर यह सलाह दी जाती है कि कृपया जब पुल पर पानी हो तो नदी पार ना करें। इस आशय के प्रशासन ने बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन बीते दिन मनीरी में हुआ हादसा हम और आप सबको चिंता में डाल रहा है। बताया जाता है कि किशनलाल अपनी पत्नी जिसे सर्पदंश हुआ था उसके इलाज के लिए मनेरी के पास एक गांव गया हुआ था। लौटते हुए झामल नदी पर वह पानी बह रहा था। उसने सोचा कि वह अपने परिवार सहित अपनी बाइक को निकाल लेगा, लेकिन बस यहीं चूक हो गई। बहते पानी में पूरा परिवार, पति पत्नी और बेटी बह गए। रात के अंधेरे में रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका। पत्नी सावित्री बाई किसी तरह तैरते हुए तो बच गई, लेकिन पति किशनलाल और बेटी का अभी तक कोई पता नहीं है। पता यह भी चला है कि 200 मीटर की दूरी पर एक बाइक मिली है और किशनलाल का शव भी बरामद हो गया है। लेकिन यह घटना, यह हादसा इस इलाके के लिए कोई नया नहीं है। आश्चर्य यह है कि जब बारिश तेज हो रही हो और पुल पर पानी हो तो हमें पार नहीं करना चाहिए, ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब दूसरी तस्वीर यह डिंडोरी जिले की है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल चले हम का नारा तो हम दे देते हैं, लेकिन बढ़े हुए पानी में, जलाशय में ये बच्चे नदी पार कर रहे हैं। कहीं यहाँ भी कोई अनहोनी ना हो जाए तो प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर बारिश के मौसम पर। धन्यवाद। जय हिंद।